तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर दोबारा। तो भाई आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं डीजल गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी के अंदर कौन सी गाड़ी आपको चूज करनी चाहिए, कौन सी बढ़िया रहेगी। बेसिकली ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे ना कई वीडियोज़ के अंदर कमेंट्स लोग करते रहते हैं कि भाई हम इतनी रनिंग है, हम डीजल लें या पेट्रोल लें। मेनली कंसर्न लोगों का ये होता है कि वो DPF के इशू के कारण काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इस रीज़न के ऊपर कि भाई कौन सी किसके लिए बेस्ट रहेगी और DPF वगैरह के जो इशू है उस सब के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। मतलब डीजल गाड़ी से रिलेटेड जो भी इशू हैं, मेनली जो इशू आता है DPF का इशू आता है उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो के अंदर पूरी बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि एक एक पॉइंट हम इसके अंदर जो है कवर करने वाले हैं। और भाई जो मैंने ऑब्जर्व करा, जैसे कि मेरे पास भी क्रेटा, मेरे पास जो भी क्वेरी आती है क्रेटा के ऊपर ही आती है कि क्रेटा में पेट्रोल मिले डीजल मिले। बाकी ये आंसर उन लोगों के लिए भी है कि जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल में भी कन्फ्यूज है उनके लिए भी इस वीडियो में आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस और एक एक करके सारे पॉइंट इसमें हम कवर करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भाई नई नई वीडियोज़ आ रही हैं, नई गाड़ियों की भी आ रही है और उससे रिव्यूज़ भी आ रही हैं। भाई प्लीज़ एक बार चैनल यहाँ तक आप पाए हैं तो चैनल को एक बार जाकर के देखिए वीडियोज़ और जो भी हैं, और अच्छी लगे वीडियो इन्फॉर्मेशन लाइक लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भाई मेरे पास ये है क्रेटा का 2021 डीजल मॉडल और लगभग मैंने अप्रॉक्सीमेटली 61,000 जो किलोमीटर जो है लगभग चला दिए। मोटा मोटा 2.5 या 3.5 साल में मैंने ये कवर करा है और अभी तक मेरे को मेरी गाड़ी में कोई भी DPF का इशू अभी तक मैंने फेस नहीं करा है। जबकि ये BS6 फेज वन की गाड़ी है। आपको पता है कि जब BS6 फेज वन की जब गाड़ियाँ आई थी तो उसमें कुछ AdBlue का कोई फीचर वगैरह नहीं आता था। BS6 फेज टू जब आई तो उसमें आपका AdBlue वाला पॉइंट जो है वो भी ऐड हो गया। तो मैं सही बताऊं तो बेसिकली जो लोग डिसाइड कर रहे हैं क्रेटा डिसाइड कर रहे हैं बेसिकली मेनली इसके अंदर हम क्रेटा वालों के लिए कंसर्न कर रहे हैं क्योंकि क्रेटा के ही मेरे पास ज़्यादातर लोग कमेंट करते हैं कि क्रेटा हम डीजल में लें या पेट्रोल में लें। तो यार मैं तो देखो अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व करा है मैं आपको वो बता रहा हूँ और जो मुझे नॉलेज है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। मे बी एट अ पॉइंट प्रभाव ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी आप लोग मुझे अपना इसके ऊपर प्रकाश डालिए बताइएगा मुझे जो भी है। भाई यदि आपकी रनिंग डेली की 25 से 30 किलोमीटर नहीं है या 2 या 3 दिन के अंदर आप गाड़ी 25 से 30 किलोमीटर चलाते हैं तब भी चल जाएगा, बट रनिंग आप गाड़ी की रखिए भाई, उसके बिना आप जो है डीजल गाड़ी नहीं लीजिए मेरे हिसाब से। तो मेरी डेली की 80 किलोमीटर की रनिंग है जिस कारण मैंने अपनी ये गाड़ी ली थी और शायद मैं डीजल मुझे ठीक भी आया क्योंकि अभी तक गाड़ी लगभग 80 किलोमीटर डेली चल रही थी तो अभी तक कोई इशू नहीं है। बट हाँ एक डेढ़ महीने से उसमें गाड़ी नहीं चल रही है बट अभी तक भी कोई इशू नहीं आया है। मैं सही बताऊँ तो रनिंग थोड़ी कम हो गई है मेरी गाड़ी की, बट हो सकता है कि पहले इम्पैक्ट नहीं हुआ तो सकता अभी भी इम्पैक्ट ना हो। और भाई चीज़ें क्या है कि बेसिकली क्या है कि लोग कन्फ्यूज क्यों करते हैं क्योंकि डीजल गाड़ी में आपको पता है टॉर्क ज़्यादा होता है, कहीं भी आप जाते हैं आपको ज़्यादा पावर मिलती है तो उससे थोड़ा सा आदमी ये रहता है कि यार बाई चांस हमारी रनिंग भी नहीं है हम ले लेते हैं, एक बार थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा पर थोड़ा सा फ़न मिल जाएगा। फ़न के साथ साथ लोग ये भी चाहते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा डीजल का पैसे ही बचे, हमारे इकोनॉमी अच्छी होती है आपको पता है डीजल गाड़ी की। तो यार देखो मेरा तो ये मानना है कि आपकी यदि रेगुलर रनिंग है तो आप ले लीजिए ठीक है, और थोड़ा सा फ़न वगैरह करना है तो देखो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि भाई देखो ये भी जो यूरिया कह लो या डेफ कह लो जो आयोडीन एग्जॉस्ट फ्लूइड जिसे हम कहते हैं तो ये भी कोई गारंटी नहीं देता है। देखो गारंटी कोई चीज़ की नहीं है, ना ही डेफ की है ना पेट्रोल की गाड़ियों की, कि भैया यदि डेफ आ गया है तो एक प्रॉपर आपके पास एक फ्लूड आ गया जिस कारण जो है जो पार्टिकल्स जो है जमा नहीं होंगे, इस कारण आपका DPF का इशू नहीं आएगा। नहीं भाई ऐसा नहीं है बिल्कुल, ये मत सोचना कि ये गारंटी इस चीज़ की नहीं भाई, इशू आ सकता है कभी भी, अभी तक कभी भी किसी के साथ भी इशू आ सकता है। कोई गारंटी नहीं ले रहा कि ये चीज़ हम करेंगे तो हमारा DPF इशू नहीं आएगा भाई, ऐसा ही है। तो इसलिए ना इसके ऊपर कोई अभी तक कोई अपनी पर्टिकुलर राय नहीं दे सका। जो लोगों ने ऑब्जर्व करा जैसे मैंने ऑब्जर्व करा मैं आपको वो बता रहा हूँ इसके अंदर, और कोशिश कीजिए कि 3 या 4 दिन के अंदर जो है आपकी गाड़ी चलती रहे। 25 से 30 किलोमीटर भाई रखिए कम से कम, तभी गाड़ी लीजिएगा डीजल गाड़ी। और यदि शौक है गाड़ी लेने का और डीजल का फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए आपको, माइलेज भी चाहिए तो देखो कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूँ DPF वगैरह इशू यदि आता भी है तो आपको पता है सबको उसमें गाइडलाइंस दी हुई होती है कि आप अपने जो गाड़ी है इतना RPM पे 15 मिनट 20 मिनट तक चलाइए तो ऑटोमेटिकली DPF इशू आपका चले जाएगा। और दूसरा ये भी है कि बाई चांस वो नहीं जाता तो आप सर्विस सेंटर में जा सकते हैं, जब तक कि गारंटी में है या वारंटी में आपकी गाड़ी रहती है
तो वो अपने आप जो है स्कैनिंग स्कैनिंग करके वो पॉइंट डाल देते हैं, बट उसके बाद भी कई बार जो है वो इशू आता रहता है। तो कोशिश ही करिए कि यदि बिना स्कैनिंग के निकल जाए तो काफ़ी बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से तो। और दूसरा ये कि जब ये डेफ आया तो लोगों ने सोचा कि अब हो सकता है हमारा थोड़ा सा पॉइंट जो है कम हो जाए। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि डीजल गाड़ीज के अंदर क्या हो, डीजल गाड़ी जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि आप सभी को पता है कि डीजल का जो जो उसका जो आउटटेक जो होता है, मतलब जो बाहर जो निकलता है कार्बन वगैरह ज़्यादा होते हैं डीजल के अंदर एज कम्पेयर टू पेट्रोल के अंदर। क्या सभी को पता है कि वो अनफिल्टर्ड फ्यूल होता है जो कि हमारी गाड़ी में से ये जो हमारी गाड़ी में पड़ता है वो बाद में वो अनफिल्टर्ड जो फ्यूल होता है वो आपका कार्बन वगैरह जो है एमिशन ज़्यादा करता है। तो अब क्या है पॉल्यूशन कम करने के लिए उसके अंदर एक ईजिया लगाए जाते हैं जिसे कहते हैं एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। तो एक फिल्टर टाइप का कह लो या कुछ भी कह लो वो लग जाता है। सिंपल भाषा में बताऊंगा मैं आपको, टेक्निकल भाषा बिल्कुल नहीं, सिंपल भाषा में आप सबको समझ में भी आ जाएगी चीज़ें। तो वो क्या करता है आपके जो हार्मफुल कार्बन्स हैं या जो पोल्यूटेड जो आपके केमिकल्स हैं वो उसको अपने फिल्टर में रोक देता है। तो होता क्या था पहले ना कि जब फेज वन आया था तो डीप तब भी उसके अंदर आ गया था, बट होता क्या था कि डीजल पर्टिकुलर फिल्टर जो है वो उसमें था, बट होता क्या था लो तब भी ये रीजन उससे ना इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ तो उन्होंने फेज टू लाया। तो और उस समय क्या हुआ फेज वन में जो था ये जो आता था डीपीएफ जो होता था या डेफ जो उसमें पड़ता था फ्लूड जो पड़ता था वो मेनली 2000 cc ऊपर गाड़ी में पड़ता था, बट जैसे ही फेज टू आया कुछ चेंजेस हुए उसके अंदर सब नहीं, चाहे वो 1500 cc की गाड़ी हो चाहे किसी की गाड़ी हो लोगों ने डेफ जो है डालना स्टार्ट हो गया। क्रेटा में भी यही सीन हुआ कि फेज टू के अंदर जो है ये डेफ जो है आना स्टार्ट हो गया। तो उसके कारण लोगों को काफ़ी लगा कि बेसिकली अब एक यूरिया भी उसके साथ है और फ्लूड भी उसके साथ जा रहा है, मतलब कि फ्यूल जा रहा है उसके साथ में। तो यूरिया कहीं ना कहीं उसको जो है आपका जो डीपीएफ है जो डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर जो है उसको साफ कर देगा और इशू नहीं आएगा। तो देखो ये है कि चांसेस कम हो गए हैं पहले के मुकाबले, जब नॉर्मल गाड़ी फेज वन में आई थी उसके मुकाबले जब डीपीएफ आया तो चांसेस तो कम है, बट कोई ये नहीं कह सकता कि भाई अब ये आ गया अब ये बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब कोई गारंटी वारंटी की बात, मतलब कोई गारंटी वारंटी इस चीज़ की नहीं है कि डीपीएफ इशू नहीं आएगा, बट हाँ चांसेस काफ़ी कम है। तो भाई मैं तो इसके अंदर सिर्फ 2-3 पॉइंट के अंदर आया हूँ। एक पॉइंट ये कि भाई यदि रनिंग हो तो आप डीजल गाड़ी लीजिएगा वरना मत लीजिएगा। 20-25 किलोमीटर आप 2-3 दिन में भी चला लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा ये भाई डीजल गाड़ी की ना बैटरी भी काफ़ी जल्दी ड्रेन होती है ठंड के टाइम पे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। डीजल गाड़ी के फायदे भी हैं तो थोड़ा बहुत आपके नेगेटिव भी हैं, कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा भाई। सेकेंड ये हर कोई बंदा चाहता है कि हम अपना गाड़ी का माइलेज बचाएं, हम हर कोई बंदा अपना चाहता है कि हम अपनी फ्रंट टू ड्राइव गाड़ी लें जिसके अंदर थोड़ा सा हम फन कर सकें, थोड़ी सी गाड़ी तेज बढ़ा सकें, मतलब हर कोई चाहता है बेसिकली ये। तो उसके हिसाब से नो डाउट डीजल इस क्रेटा गाड़ी का काफ़ी बढ़िया है। मैं तो हर जगह मैंने इसको यूज़ करके देख लिया, मुझे अभी तक ऐसी गाड़ी नहीं मिली। लोग कुछ भी कहें कि इसमें ये है इसमें फलाना, गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, भाई बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया खंभे में जा करके नहीं होगी, वो वाली बात अलग है, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा मैं, अभी जो पॉइंट चल रहा है उसमें चल रहे हैं। माइलेज बहुत बढ़िया है भाई इस गाड़ी का डीजल के अंदर, मैं बता रहा हूँ नॉर्मल से नॉर्मल। यदि आप अच्छे तरीके से गाड़ी चलाओ ना तो मैंने दिल्ली में भी जहाँ पर ट्रैफिक रहता उसमें मैंने आराम से 19-20 का एवरेज भी निकाल चुका हूँ, बट मैं गाड़ी बहुत नॉर्मल चलाता हूँ, ना कभी एक्सीलरेट करता ना कभी भगाता उसे। तो ये सेकंड चीज़ तो ये होगी, यदि आप फ्रंट टू ड्राइव डीजल लेना चाहते हैं तो भाई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा भाई। और थर्ड ये कि कोशिश ये कहिए कि जितना हो सके गाड़ी को चलाएं, भले ही दिन में एक बार या दो या बार गाड़ी को स्टार्ट करके रख दें। और डीजल गाड़ी नो डाउट फन टू ड्राइव गाड़ी बहुत बढ़िया आती है भाई। और कई लोग ये भी सोचते हैं कि यार कभी कभार ट्रिप पे जाएंगे तो हम उस समय डीजल हमारी काम आ जाएगी, तो भाई देखो कभी कभार जा रहे हो तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। महीने में आप एक दो लंबी ट्रिप मार देते हो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर फिर भी एक जायज लगता है कि चलो ठीक है डीजल गाड़ी ले सकते हो, बट आप 4-5 महीने में सोचो एक बार मैं ट्रिप मारूँ उसके लिए मैं डीजल गाड़ी ले लूँ, तो वो आपके लिए मुझे लगता नहीं कि मतलब ठीक रहेगा भाई। और बस ये चीज़ें थी भाई इस वीडियो के अंदर, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा। और मेन मकसद बस वीडियो बनाने का ये था कि भाई कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं मतलब एक आंसर बना देता हूँ इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो भाई आंसर यही है कि आप की रनिंग नहीं है तो भाई डीजल गाड़ी मत लीजिए, 1.5-1.75 लाख रुपये ऑलरेडी आप एक्स्ट्रा दे रहे हो उसके अंदर, ठीक है, तो उसी को थोड़ा सा वो करिए। और दिल्ली NCR के बंदे जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए तो ऑलरेडी 5 साल कम जाते हैं, 10 साल ही वैलिडिटी रहती है,
तो उस हिसाब से तो यदि नहीं है तो दिल्ली एनसीआर वाले बंदे तो भाई बिल्कुल ही मत लें, थोड़े जो दूर के बंदे हैं आसपास के वो फिर भी एक बार ले सकते हैं, अपने अपने साल में कहीं ना कहीं उनका कवर हो जाएगा यदि रनिंग कम भी है तो। बट वही चीज़ है कि अच्छा एक चीज़ और थी, एक भाई ने मुझसे पूछा था कि मान लिया जाए कि मैं DPF का यदि दिक्कत आ जाती है तो होता क्या है कि मैं जैसे मैं सर्विस सेंटर गया, सर्विस सेंटर में कुछ खर्चा आया तो मुझे देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। तो भाई देखो जब तक आपकी चीज़ें जो है वारंटी के अंदर है तो बेसिकली डीजल पेट्रोल फिल्टर का जो साइन आता है वो एक एरर आता है आपका, बेसिक एरर कह लीजिए या आपका सिग्नल आता है, तो यदि वो आपका जो करने के बाद नहीं जाता है बेसिकली 90% लोगों को चले आता है जो मैंने सुना है लोगों से। मैंने फेस नहीं करा तो मैं इसमें पक्का कुछ कह नहीं सकता भाई, बट जो हम भी ऑनलाइन रिसर्च करते हैं रीडिंग करते हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% लोगों का जो वो बताते हैं कि इतने RPM पे आप 15-20 मिनट चलाइएगा तो गाड़ी जो है DPF इश्यू हट जाएगा, 90% लोगों का उसमें चलाया तो बाकी जो 10% जो रह जाता है तो भाई वो होता कुछ नहीं है, उसमें वो स्कैनिंग कर देते हैं, स्कैनिंग से वो चले जाता है। और बाई चांस कुछ और इशू आता है, जैसे कोई इंजन पार्ट में कोई इशू आता है तो वारंटी में गाड़ी है तो ऑलरेडी आपकी जो है वो नो डाउट विदाउट एनी पेनी आपकी चेंज हो जाएगी। इस बारे में मैं हुंडई को काफ़ी वो करता हूँ, मेरी 3-4 चीज़ें चेंज हो चुकी हैं गाड़ी के अंदर ऑलरेडी, जो इतने साल मुझे दिक्कत आई थी अभी साइड व्यू मिरर में दिक्कत आ गई है, दोनों फोल्ड अनफोल्ड नहीं हो रहे हैं टाइम पे, तो उन्होंने मुझसे कह दिया है कि आप आ जाइए, हम आपके पार्ट हमने आपके ऑर्डर पर लगा दिए, आप आ जाइए और चेंज हो जाएंगे उसके अंदर। तो इस चीज़ में देखो हुंडई तो मुझे काफ़ी ठीक लगी, बाकी औरों का मुझे आइडिया नहीं है, मैं जिसको यूज़ कर रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें थी भाई, आपके जो स्कैनिंग के थोड़े बहुत पैसे लगेंगे और दे दीजिएगा आप 200-300-400 रुपये जो भी वो लेंगे, बट यदि आपकी जान पहचान अच्छी है तो वो फ्री में भी कर देते हैं भाई, सीधी सी बात है, आपकी जितनी नॉलेज है या जितना आपकी जान पहचान है उस हिसाब से काम करवा सकते हो। तो भाई वीडियो यहीं तक ही थी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और भाई एक बार यहाँ तक भी आ गए हो तो भाई हाथ जोड़ के विनती है चैनल पर जाओ वीडियोज़ देखो जो आ रही हैं, ठीक है, वीडियो कहीं भी आपके नोटिफिकेशन लाइक लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइब का बटन है हम थोड़ा मोटिवेट करता है और काम या और चीज़ें अच्छी अच्छी आपके लिए लाने के लिए। और आने वाले टाइम पे हमने बहुत चीज़ें प्लान कर रखी हैं, इस बार ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम पे आप देखिएगा अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छी अच्छी गाड़ियाँ जो है मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, चाहे वो नई गाड़ी हो चाहे वो ओनरशिप रिव्यू हो, सब चीज़ें मिल जाएंगी। और एक चीज़ और, जो भी मेरा भाई नोएडा ग्रेटर नोएडा में रह रहा है और अपना ओनरशिप रिव्यू देना चाहता है अपनी गाड़ी का तो मैं नीचे अपनी ईमेल आईडी डाल दूंगा, इसके अंदर चल रही होगी, वहाँ पे आप आकर के मुझे मेल कर दीजिएगा, कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट कर लूँगा नोएडा गेट नोएडा में जो भी मेरा भाई बंधु आसपास होगा। तो गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।